श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 21। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 21 अध्याय। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थीं, तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुल, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फलफूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था, तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विजगण वेद ध्वनि करने लगे, वंदीजनों ने स्तुतिगान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परमेश्वरी महाराज ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परमपद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुरश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। आता अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुणवर्ण, नासिका सुघर, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उधर पीपल के पत्ते के समान सुडोल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था,
जंघाएं सुवर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक घुंघराले काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्णमृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोकों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्रीहरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्यान्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए
निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरणक से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुःखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता और जिनके चरण मल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यानस तुति पूजादि मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। कृत्य में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ चावल आदि विविध द्रव्य शुक्लादि गुण अवघात कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ आशय संकल्प लिंग पदार्थ शक्ति तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति काल वासना और अदृष्टि से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञागादि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। इस पृथ्वीतल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्व गुरु श्रीहरि का एकनिष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज धन ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्रीहरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्रीहरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे ही चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्मा वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं,
उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूली को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न रहें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यों कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्रीहरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण्य देव श्रीहरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारारण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञानांधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है।